ओके सो दिस इज बेसिकली माय मॉर्निंग ड्रिंक. एक्चुअली मॉर्निंग शॉट, इसे आप ग्लास भर के एकदम पी मत लेना क्योंकि अदरवाइज आप ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाओगे और वो थोड़ा ओवरडोज हो जाता है. बस हाफ कप इज एनफ, वही काफी होता है. एंड बस हम अपनी बॉडी को ये बताना चाहते हैं कि उठो भाई, तुम्हारा अभी काम करना स्टार्ट करना है. तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए कच्ची हल्दी को कूट के उसे गर्म पानी में थोड़ा खौलाना होता है एंड या योर ड्रिंक इज रेडी. जो टर्मरिक वाटर होता है यानी कि जो हल्दी वाला पानी होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, हमारे गट को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है, प्योरीफाई करता है, हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स को क्योर करता है और हमारे जो ब्लड की ब्लड हमारा जो गाढ़ा हो जाता है ना, उसे कंट्रोल करता है ताकि हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम कभी ना हो, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है बेसिकली. बट हेयर इज अ डिस्क्लेमर, अगर आपको शुगर यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपकी बॉडी शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में जो खून है वो बहुत ही पतला है, तो उस टाइम पे आप हल्दी वाला पानी अवॉइड कीजिए क्योंकि हल्दी हमारे खून को ना पतला बना देता है. एंड इसलिए हफ्ते में 2 दिन सफिशियंट है हल्दी वाला ड्रिंक. एंड मैं 2 दिन ही लेती हूँ और कभी कभार मैं जीरा वाटर, कभी कभार सॉफ्ट वाटर, मतलब मेरा उन्हें एक्सचेंज करके मैं पीती रहती हूँ. तो आप भी देख सकते हैं. एंड मुझे इसका टेस्ट कुछ उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कड़वा सा होता है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. एंड या मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो तो पी लेनी चाहिए, दिक्कत नहीं है. नीम की पत्ती होती है ना, इस टाइम पे नीम पत्ती बहुत अच्छा होता है खाने के लिए. हम बंगाली फैमिली में ना अभी नीम बैंगन भाजा होता है एंड बाय गॉड ग्रेस बचपन से वो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है. मैं बहुत शौक से खाती हूँ लेकिन बहुत लोग नहीं खाते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल, सिस्टिक एक्ने जो होते हैं ना, दर्दनाक वाले एक्ने जो होते हैं ना, वो एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिस वजह से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं. और अभी तो मैंगो की सीजन आने वाली है और हम दबा के मैंगो खाने वाले हैं. उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में ना हीट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से भी हमारे बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं. तो इस टाइम पे इसीलिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स खाना बहुत अच्छा होता है जो हमारे एक्ने को प्रिवेंट करता है. स्पेशली आप पुदीना एंड लेमन एंड नीम की पत्ती बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए. तो पिया कीजिए, खाया कीजिए. अच्छी चीजें बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होती. ऑफकोर्स बिरयानी के जैसे टेस्ट नहीं होगा नीम पत्ते का, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बिरयानी से कई गुना ज्यादा है. तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एंड मैं इसे सिप बाय सिप पीऊंगी एंड इसे पीने के बाद मैं करीबन 30 मिनट्स तक वेट करती हूँ ताकि ये मेरी बॉडी में अच्छे से काम कर पाए. बाद मैं खाना खाती हूँ. एंड अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में बेसिकली फ्रूट्स खाने का क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है अदरवाइज. तो फ्रूट्स खाने का मैं बहुत मतलब लाइट खाना खाना बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ. तो मैं लाइट ही खाना खाती हूँ. मैं दिखाऊंगी मैं क्या खाती हूँ. एंड चलो पहले मैं ये पी लेती हूँ. एंड बाय द वे इसे ना आपको ठंडा करके पीना है, मतलब गर्म मत पी लेना. जब आप बनाओ, बनाने के आधे घंटे पर मतलब ऐसे छोड़ दो, फिर आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद पियो, ठंडा पियो क्योंकि हल्दी वैसे ही थोड़ी, हल्दी की तासीर थोड़ी ना गर्म होती है हमारे बॉडी के लिए. उसे अगर आप गर्म पानी के साथ पियोगे ना तो वो और ज़्यादा हीट पैदा करता है. दिस इज नॉट गुड. सो आप पियो लेकिन थोड़ा ध्यान में रखो कि गर्म ना हो, ठंडा करके सिप बाय सिप पियो. एंड कोई भी खाना या फिर पानी भी पी रहे हो ना तो सिप बाय सिप पीना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखा था, शायद सात्विक वीडियो था, एंड उसमें मैंने देखा था कि सिप बाय सिप खाना खाना या पीना चाहिए. तो या मैं पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे ब्रेकफास्ट को लेके. एंड बाय. सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स एंड बेल पन्ना विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट. मैं ज्यादातर फ्रूट्स खाती हूँ, कभी कभार स्मूदी वगैरह पी लेती हूँ. पपीता, बनाना, बनाना मैं बहुत कम खाती हूँ. बनाना ना वेट गेन में मदद करता है, बट मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ इसलिए मैं बनाना थोड़ा कम खाती हूँ. एंड हाफ बनाना इज इनफ फॉर मी. एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, आलमंड्स एंड सम रेसिन एंड थोड़ा सा गुलाब जामुन लिया है, मतलब मीठा नहीं, फ्रूट वाला जो गुलाब जाम होता है ना वो लिया है, गुलाब जामुन वो लिया है. और यहाँ पे है बेल पन्ना. दैट्स ऑल अबाउट माई ब्रेकफास्ट. एंड मैं ये खा के ना कम से कम 2 बजे तक तो फिल रहने वाली हूँ, लेकिन मैं 1:30 बजे तक अपना लंच कर लेती हूँ. मैं ये खाती हूँ. एंड अच्छा, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या प्रेफर करते हो, स्पेशली गर्मियों में. मैं ना कभी कभार राइस भी खा लेती हूँ, मतलब पांता भात जिसे कहते हैं ना, वो खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है.
लेकिन वो अगर मैं खा लेती हूँ ना तो मुझे दोपहर में कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतनी फील हो जाती हूँ। एंड आई थिंक ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने 24 आवर्स कवर किया है ना, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सो दिस इज शुगर फ्री बेल पन्ना, डिलीशियस। एंड ये जो ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं एवरीडे खा सकती हूँ, लेकिन फ्रूट्स थोड़ा बदल दूंगी। एंड पपीता इज माई फेवरेट फूड बाय द वे। सो या मैं इसके बाद सीधा लंच करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपने लंच के टाइम पे। बाय। हेलो जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? वीडियो सुबह से चल रही है लेकिन इंट्रो मैं अभी कर रही हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाना खाऊ, का बना खाना खाऊ जो मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखेगा। और मुझे बाहर का खाना ना सूट भी नहीं करता, मैं बाहर कुछ भी खा लू ना मेरे फेस पे, मेरे बॉडी पे एक्ने निकल आते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले गोलगप्पे खाए थे एंड उसकी मैं अभी तक भरपाई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर का खाना खाना बहुत कम प्रेफर करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ, मतलब खाती ही नहीं हूँ, घर का ही मैं खाती हूँ घर का खाना। एंड मैं एकदम हेल्दी खाना खाती हूँ घर में भी, ऐसा नहीं कि घर में खा रही हूँ तो फ्राइड मसालेदार चीजें खाती हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी खाना मेंटेन करती हूँ बिकॉज आई हैव PCOD, सो मुझे ना मेंटेन करके चलना पड़ता है ताकि मेरा वेट भी कंट्रोल में रहे। आप भी मतलब वेट लॉस करना चाहते हो या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो ना, देन आप ये डाइट डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। कभी कभार मैं बाहर का खाना खा लेती हूँ, महीने में एक आध बार खा लेती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ घर का ही मैं खाऊ, बाहर का ना खाऊ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, देन हाई, माय नेम इज जूही, आई मेक मेकअप, फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो ऑन माय चैनल। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टेक अ मोमेंट एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, जल्दी से जल्दी लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके उसे ग्रे कर दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। लंच में मैं आज खाने वाली हूँ चावल, सलाद एंड बंगाली फिश करी एंड आम दाल। सलाद मेरे मील में एवरी डे होता है एंड या समटाइम्स सब्जी वगैरह चेंज हो जाती है, कभी कभार मैं साग खा लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो या मैं लंच कर लेती हूँ अपना एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से लंच के बाद। लंच के बाद मैं पीती हूँ छाछ, दही का छाछ जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है एंड स्पेशली गर्मियों में तो ये मतलब रामबाण होता है, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। और कर्ड में होता है प्रोबायोटिक्स जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप भी डेफिनेटली अपने एवरीडे मील में छाछ या फिर दही को इंक्लूड कीजिए। सो मिलती हूँ आप लोगों से सीधे शाम के स्नैक्स के साथ। और शाम को मैं खाने वाली हूँ चाय विद बादाम वाली बिस्किट, ये बिस्किट मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसके साथ मैं चाय पीने वाली हूँ। तो अभी मैं डिनर करने वाली हूँ और डिनर में मैं आज खाने वाली हूँ रोटी, एक रोटी, बीटरूट की सब्जी, दाल एंड खीरा, दैट्स इट। सो यार, दिस इज द टाइम व्हेन आई टेक माय लास्ट मील, नॉट मील एक्चुअली, लास्ट ड्रिंक। I think morning drink and night drink is very important if you are looking for a healthy body, healthy skin, healthy hair, then morning drink and night drink is very important. And मैं जो आज drink पीने वाली हूँ इसे मैं करीबन 20 दिनों से ले रही हूँ and मुझे बहुत पसंद आया है। ये ड्रिंक लेने के बाद ना मैं एकदम बच्चों जैसी सो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है, एकदम स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। सो आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो फॉर मेकिंग दिस ड्रिंक वी नीड पुदीना, मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स लिए पुदीना के, ताजे पुदीने, एंड हमें चाहिए जैगरी, मतलब शुगर केन वाले जो जैगरी होते हैं ना वो, उसे मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा, वो हेयर इट इज। अब हम ड्रिंक बनाएंगे, उसके लिए हम पुदीने को क्रैश करेंगे। ओके, सो पुदीना यहाँ पे क्रैश हो चुका है एंड मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है। और पुदीना ना वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना उसके लिए भी पुदीना बहुत अच्छा होता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखती है एंड आप बहुत ज्यादा लाइट भी फील करते हो। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम अगर आपको है ना तो उसमें भी बहुत राहत मिलती है पुदीने के वजह से। सो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द जैगरी वाटर टू इट।
डन एंड जस्ट मिक्स इट। दिस इज डिलीशियस, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है खाने के लिए। एंड अभी बस मैं अपना नाइट स्किन केयर करूंगी, तब तक मेरा ड्रिंक भी डाइजेस्ट हो जाएगा एंड फिर मैं सो जाऊंगी। सो चलो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि मैं क्या क्या खाती हूँ दिन में जान के। तो मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, और वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय।